हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम सीखेंगे कि हम रोजमर्रा जिंदगी में कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं। मगर आज एक खास बात है, हम इन सब्जियों के नाम मराठी जबान में सीखेंगे और इसी के साथ साथ इनके नाम उर्दू में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब की प्यारी, जिसे हम हर सब्जी में हर पकवान में डालना पसंद करते हैं, यानी के कोथमीर। इसे हम उर्दू जबान में कोथमीर भी कहते हैं या फिर हरा धनिया भी कहा जाता है, और इसे मराठी जबान में कहते हैं कोथंबीर। क्या कहते हैं? कोथंबीर। इसके बाद आती है हम सब की चहेती और हम सब इसे बहुत अच्छे से खाते हैं, यानी के मेथी। इसे उर्दू जबान में मेथी कहा जाता है और मराठी जबान में भी इसे मेथी ही कहा जाता है। इसके बाद आती है हम बहुत बड़े बड़े और गोल गोल पत्तों वाली, यानी पालक। पालक को उर्दू जबान में हम पालक ही कहते हैं और मराठी में भी इसे पालक ही कहा जाता है। इसके बाद आती है चाकवत की सब्जी। इसे उर्दू जबान में चाकवत कहते हैं और मराठी जबान में भी इसे चाकवत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाकवत। इसके बाद सबसे आखिर में जो हमें हमारी बालों की तरह नजर आती है बारीक बारीक, यानी सोया। इसे हम उर्दू जबान में सोया कहते हैं और मराठी जबान में शेपू, यानी के शेपू, इस तरह से हम इसे कहते हैं।